हेलो दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों? आप सबको ये जैसे पता है कि करेक्शन के जो अपडेट है वो आने वाली है, यानी आप अपना करेक्शन जो भी करना हो वो कर सकते हैं। यानी इसकी जो अपडेट दी जा रही है वो करेक्शन से रिलेटेड है। अब ये तो आप सबको पता है कि अपडेट कब से होना है, करेक्शन में अपडेट कब से होगा, क्या होगा, कैसे होगा, ये सारी चीज़ें आज अपनी वीडियो के माध्यम से मैं बताऊँगा कि आप करेक्शन में क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, इसको जानना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोगों का स्टेटस आप देखेंगे, स्टेटस में कुछ है तो ये है तो वो है, तो वो तमाम तरह की चीज़ें मैं लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो अब आपको यह ये जानना है कि आप करेक्शन में क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, वो अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। बस आपसे यही कहना है कि वीडियो को शुरू से तक बनी रहे, कंप्लीट देखे तो पूरी बात समझ में आ जाएगी। जैसा आप सब जानते हो कि दोस्तों स्कॉलरशिप का फॉर्म, ये मैंने यहाँ पर एक फॉर्म है मेरे पास, और कुछ सिक्योरिटी पर्पस पर जो है मैंने बहुत सी चीजों को जो है थोड़ा सा हाईलाइट को कर दिया है, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस पर मैं नहीं चाहता कि किसी की डिटेल जो है वो पर्सनल डिटेल शो की जाए, तो वो मैंने यहाँ पर जो है हिडन कर दिया है। ठीक है, तो इसके जरिए मैं आपको सारी चीजें क्लियर करने की कोशिश करता हूं। आप देख सकते हैं कि ये एक फॉर्म है और ये न्यू और रिन्यूअल, ये तो नवीन का मतलब फ्रेश और रिन्यूअल का मतलब जो है नवनीकरण जिसे होता है। ठीक है, अब इसमें इस तरीके का ये फॉर्म है, ये पूरा फॉर्म शुरू से लेकर ऊपर तक आपने देखा होगा, कॉलेज में सबमिट भी किया होगा सारी चीजें। अब सबमिट करने के बाद आपको क्या नहीं कर सकते हैं तो वो मैं आपको बता दूं कि जैसे क्या नाम है, यहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर, छात्र का नाम, परिवर्तन, ये सारी चीजें आप नहीं कर सकते। यानी ये जो रजिस्ट्रेशन वाला हिस्सा है इसको कोई भी चेंजिंग नहीं हो सकती है। ऐसा नहीं कि आपका नाम कुछ हो गया या गलती है या ये, तो आप यहां से कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते, कोई भी चीज रजिस्ट्रेशन में नहीं हो सकती, ये चीज जानना जरूरी है। ठीक है, नंबर ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, नंबर आप नोट कर लीजिए ताकि आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। ओके, तो अब थोड़ा सा नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद आप अपने कोर्स को नहीं चेंज कर सकते हैं, ये तो फैक्ट है कि कोर्स नहीं चेंज होगा, जो कोर्स आपका है वही कोर्स रहेगा। हाँ, आप यहां से जो इनरोलमेंट नंबर है उसका चेंजिंग हो सकती है, इनरोलमेंट नंबर की भी चेंजिंग कर सकते हैं, कोर्स का नहीं बदल सकते आप, नेम नहीं बदल सकते, लेकिन यहां पर हाई स्कूल और इंटर को बदलाव किया जा सकता है। ठीक है, इसमें आप चेंजिंग कर सकते हैं, यहां चेंजिंग हो जाएगी। उसके बाद आपकी कास्ट और इनमें भी आप चेंजिंग कर सकते हैं, यहां से भी जो भी चेंजिंग होनी है वो सारी चीजें हो जाएंगी, बैंक अकाउंट डिटेल वही रहेगी। ये यानी इस फॉर्म के अंतर्गत मोटा मोटा ये कि आप ये गत वर्ष में भी चेंजिंग की जा सकती है, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं दोस्तों, जैसे ही अपडेट आएगी आप इसको कर लीजिएगा ताकि आसानी के साथ हो सके। अब यहाँ पे बहुत से लोगों का एक सवाल, तो दोस्तों जैसा मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर जो है आय को, जाति को आप जो है इसका करेक्शन नहीं करा सकते, ये चीज़ थोड़ा सा आप कंफर्म मैं कर दूं कि इसको आप करेक्शन नहीं करा सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसको करेक्शन, क्योंकि जो फॉर्म है आपका दो दिन के बाद निकलता है, यानी 24 से 48 घंटे के बाद ही फॉर्म आपको मिल पाता है, तो उसको वेरीफाई करता है, इसका कोई चेंजिंग नहीं हो सकती है। लेकिन यहाँ पर मान के चले कि आपका बैंक विवरण के लिए आपका जो आधार से लिंक होगा, आपका पैसा उसी में ही जाएगा, सीट्स होने के बाद ही वो सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। अब यहाँ पे बहुत से लोगों का होगा कि मेरा एक्सपायर हो गया था तो मेरा ये हो गया था, लेकिन ये वेरीफाई होने के बाद ही ये फाइनल होता है दोस्तों। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया है कि आप चेंजिंग क्या कर सकते हो, यहाँ पे ईयर चेंज नहीं होगा, आपका जो एडमिशन ये डेट है ये कर सकते हो, लेकिन एनरोलमेंट चेंज कर सकते हो, हाई स्कूल इंटर जो यहाँ पर शैक्षणिक है यानी इसको भी चेंज किया जा सकता है, एड्रेस तो भी कर सकते हो, एड्रेस का कोई दिक्कत है नहीं, आय जाति को नहीं कर सकते ओ, और बैंक की डिटेल वो आप इसको आधार सबमिट करके कर लीजिए, उसके बाद ये अपना रिजल्ट इसको कर लीजिए, बाकी चीजें इजली वे में, तो बाकी चीजों को करना नहीं है, तो यही है, यानी ये करेक्शन आपका हो सकता है, जो भी करेक्शन आएगा आसानी के साथ आप उसको करा लीजिएगा। बार और किसी तरीके की कोई डेट्स के लिए आप मुझे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, ये नंबर ऑलरेडी मैंने यहाँ दिया हुआ है, नंबर को नोट कर लीजिए ताकि आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत आती है तो जिसको लेकर आप मुझसे कांटेक्ट करके अपनी हेल्प को ले सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के ये है कि सर ये कैसे होगा, क्या होगा, तो उनको भी मैं बता दूंगा, क्योंकि स्टेटस को पता करना पड़ता है, तो थोड़ा सा आप लोग सब्र करिए, मैं स्टेटस को लेकर या तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर लें, क्योंकि बहुत सी बातें
लिख के नहीं बताई जा सकती, तो आप कांटेक्ट कर लो तो फटाफट उन चीजों को हम बता सकते हैं क्या है कैसे है। ठीक है दोस्तों, तो मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें।